गाय के घर को इंग्लिश में क्या कहते हैं और इसके अलावा कुछ और पशुओं के घरों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ये आज की इस छोटी सी वीडियो में समझ लेते हैं। चूहा बिल में रहता है, तो चूहे को इंग्लिश में रैट कहते हैं और बिल को इंग्लिश में हॉल कहा जाता है, रैट और हॉल। घोड़ा इंग्लिश में हॉर्स कहलाता है और घोड़ा अस्तबल में रहता है, उसको इंग्लिश में स्टेबल कहते हैं, स्टेबल। मुर्गी को इंग्लिश में हेन कहा जाता है और मुर्गी दड़बे में रहती है, उसको पेन कहा जाता है, पेन। शेर को इंग्लिश में लायन कहते हैं और लायन गुफा में रहता है, यानी कि डेन में रहता है। लोमड़ी को इंग्लिश में फोक्स कहते हैं और लोमड़ी मांद में रहती है, मांद को भी इंग्लिश में डेन ही कहा जाता है। भैंस को इंग्लिश में बफेलो कहते हैं और बफेलो बाड़े में रहती है, उसको इंग्लिश में कैटल शेड कहते हैं, कैटल शेड। गाय जहाँ रहती है उसको गौशाला भी कहा जा सकता है, तो उसको काव शेड कह सकते हैं या बाड़ा भी आप कह सकते हैं, कैटल शेड। मकड़ी जाले में रहती है, तो मकड़ी का जो जाला होता है उसे वेब कहा जाता है, वेब। चींटी यानी कि एंट बाम्बी में रहती है और बाम्बी को इंग्लिश में एंट हिल कहते हैं, एंट हिल। पक्षियों को इंग्लिश में बर्ड्स कहा जाता है और पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं और घोंसले को इंग्लिश में नेस्ट कहा जाता है, नेस्ट।